Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. तो जी दोस्तों, आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हाजिर हैं। तो ये जनाब, हमारे पास एक प्याला है जिसको हमने हर चीज़ से साफ़ किया, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा। इसमें हमने गंदक और पारे की तकरीबन 100 घंटा कजरी की थी। तो हम अब कास्टिक डाल के ना तो आपके सामने एक तजर्बा करने लगे हैं। देखिएगा, इससे ये ना काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी आपका इस तरह का प्याला, उसमें आपने कास्टिक डालनी है। तो कास्टिक डाल के तो आपने इसको खल करना है। तो ये कास्टिक यहाँ पे पानी सा बनेगी तो नमी पकड़ेगी और ये काली होना शुरू हो जाएगी। असल में इसका जो बेहतरीन हल है ना, वो तो होता है शोरा, नमी वाला कोई शोरा हो, या शोरा इसमें डाल के जो इसमें आप खल करें तो ये फिर भी, लेकिन वो भी करने से ना ये साफ़ नहीं हुआ। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपका भी खरल इस तरह से हो जाए कि जिसका दाग पक्का हो जाए। ये इंग्लैंड का खरल है और ये जो खरल मशीन है उसके साथ ही आता है। तो ये 100 घंटा मशीन लगातार चली है और इस तरह से ना ये कुछ उसके लोहे की जो पतरी थी, स्टील की, कुछ उसका दाग इसमें बन गया। तो कुछ जो गंदक और पारा था उसका जो है ना वो दाग इसमें रह गया। तो हम इंशाल्लाह इसके साथ ये एक दो बार ये अमल करके तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो आपने भी अगर, आपका भी अगर खरल इस तरह हो जाए कि उसमें से दाग ख़त्म ना हो, तो आप भी ये अमल कर सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है अपने खरल को साफ़ रखना। अब मैंने इससे आगे एक और नुस्खा बनाना था। तो अगर मैं इसी में चीज़ें डाल के खरल कर देता, एक तो उसकी रंगत ख़राब हो जानी थी, दूसरा उसका मज़ा नहीं आना था फिर, ठीक है। तो ये देखिए, ये कितनी स्याही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ना ये अपना जो कास्टिक है, ये स्याही को अपने अंदर लेती जाएगी और ये खरल से ना उतारती जाएगी। असल में हमें जल्दी है, नहीं तो हम इसमें कास्टिक डाल के तो इसको ना रख देते एक दो दिन के लिए, तो फिर ये मुकम्मल बिल्कुल चमकदार हो जाना था। तो ये हमारे पास जो है ना ये एस्टिक एसिड है। अब हम इसमें एस्टिक एसिड डालेंगे। तो ये देखें जनाब, ये रिएक्शन शुरू हो गया और ये ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन है। इससे खरल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। असल तो यही है कि आप कास्टिक इसमें खरल करें, खरल करने के बाद आप इसको एस्टिक एसिड से धो लें। तो लेकिन मेरे पास एस्टिक एसिड जो है वो कम है, मैंने किसी और अमल के लिए भी इस्तेमाल करना है और हमारे यहाँ कोई भी जो चीज़ है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इस वजह से मैं इसे आगे पानी का सहारा लूँगा। तो थोड़ा सा इस वजह से डाल, ये देखें ये किस तरह कास्टिक पतरी जो है ये स्याह हो गई है। तो ये देखें जी, एक अमल धोने के बाद जो है ना ये अब दोबारा इसमें कास्टिक डाली है। तो देखें ये किस हद तक जो है ना ये हो गया साफ बिल्कुल, देखें। तो ये दूसरा अमल है जी। हमने वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से इसको जो है ना वो बीच में से काट दिया वीडियो को। तो ये देखें, अब इसको हम धोते हैं। तो ये धोने के बाद जनाब इसका रिज़ल्ट है दूसरे अमल के बाद। अभी मुझे ज़रूरत है, अभी मेरे लिए ये मैसर है, ये चल जाएगा। तो